में से हमारे साथ मौजूद हैं किशन जिंदल जी। किशन जी, जो ये शिवलिंग आपके बुजुर्गों ने स्थापित किया यहाँ पे, क्या कहानी है इसकी, क्या कथा है? ये बुजुर्गों को कोई पता जी इस बारे में? तो मुझे तो मैं तो वो आपने सुना क्या था भाई? ये मैं गांव में, हमारा गांव में घर था जी, यहाँ रहते थे हम लोग, और हमें गांव के लोगों ने कहा भाई ये शिवलिंग जो है तुम्हारे पूर्वज लाए हैं और इसकी तुम अपनी देखभाल करो और गांव वाले से मिलकर सब काम करो जो भी ये करना है। और आप भी उन्होंने जो सेवा की उस प्रथा को निभाते आ रहे हैं, क्या संस्कार है सर जी? जो आदेश मिला है बड़े बूढ़ों का वो निभाएंगे जब तक रहेगा जी, जब तक मुझे परमात्मा का आदेश होगा सारा काम करेंगे जी। आपका क्या नाम है? नाम सुन नाम? मेरा नाम परवीन गोयल है जी। यहाँ की बाबा की मान्यता है कुल प्रहलादपुर दिल्ली मदनपुर बॉर्डर के पास से। बाबा की यहाँ बहुत मान्यता है, यहाँ पर आते रहते हैं, हमारे वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं और बाबा से हर साल भंडारे में आते हैं, वैसे भी बीच में आते हैं, अपना आशीर्वाद लेकर के जाते हैं और सारी मुरादें पूरी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता जी, जो कि पलवल से यहाँ पर दर्शन के लिए आई हैं। सुनीता जी, आप कब से इस मंदिर पर आ रहे हैं? हम तो जी काफ़ी टाइम से आते हैं, अब काफ़ी टाइम से आते हैं। हमारे बड़े बूढ़े लेके आए थे ना धनकौर से इनको, बाबा को, तो इधर गाड़ी फंस गई थी, इधर ही तो गाड़ी नहीं निकली थी, कह के बैल लगा लिए, फिर बल्लम को जा रहे थे, उन पत्थर भी देख रहे हैं, फिर भोले बाबा की यहाँ पर समाधि, वो मूर्ति उतार दी तो वो दो बैलों से निकल रही थी। तो ये आपके बड़े बूढ़े दादा परदादा बाबा के बाबा थे। क्या नाम था? खरकिया। खरकिया मोतीलाल, ये सब हमारे बड़े बूढ़े थे, मुरारी हमारे बाबा थे। तो यहाँ क्या मान्यता है यहाँ भोले बाबा की?